स्वागत है। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में स्पेशली मुझे लिखकर भी जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कितनी पसंद आई। और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। करते हैं रेसिपी को स्टार्ट फिर बिना देरी करे हुए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आधी किलो अरवी ले ली, इनको घुइया भी बोला जाता है। तो आधी किलो अरवी को धो लिया था। और जब भी आप बाजार से अरवी लाओ तो गांठ गुठली से मत लेके आना, फिर क्या वो सींचने में काफी समय लगाती है। ऐसी लंबी लंबी सी हो या गोलू मोलू सी हो जिनमें गांठ गुठलापन नहीं हो, ऐसी अरवी लेके आना, ठीक है। आधी भगोनी हमने यहाँ पानी से भर ली थी और क्या करा है, अरवी को उसमें डाल देना है। गैस ऑन करके भगोनी को चढ़ा देंगे गैस पर, ढककर रख देंगे। अरवी को पूरी तरीके से घुलाना नहीं है, 4-5 मिनट में ही अरवी सीज जाती है। अरवी को सीजने में सबसे ज़्यादा कम समय लगता है, तो एक बार चेक कर लेंगे। छिलका इनका अलग ही दिखने भी लग जाता है और निकलने भी लग गया, दबा के देख लेंगे सॉफ्ट हो गई है हल्की सी, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर वो घुली सी फिर चिपचिपी सी बनती है सब्जी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अरवी को थोड़ा ठंडा कर लेंगे यहाँ पर। वैसे आप चाहो तो गरम गरम का छिलका यहाँ निकल जाता है, बट ठंडी होने के बाद अरवी इनका छिलका बहुत ही आसानी से निकलता है। तो अरवी हमारी यहाँ ठंडी हो चुकी है, तो हाथों से हम इनका बकला निकाल लेंगे। वैसे आप हाथों से इनका आसानी से बकला निकाल सकते हो ठंडा होने के बाद, बट आप चाहो ना तो छुरी की मदद से भी इनका बकला निकाल सकते हो। तो सभी अरवी को आपको यहाँ छील लेना है इसी तरीके से। कुछ कुछ इनकी जो कॉर्नर के लाल लाल से होते हैं ना, इनको आप चाहो तो काट के निकाल भी सकती हो। और जो डार्क में नहीं हो, हल्की हल्की हो, तो इन्हें बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी आती ही अरवी। तो सभी को छील लेना छुरी या फिर हाथों से। तो सभी अरवी को हम फटाफट से छील के लेके आते हैं यहाँ पर। तो अरवी हमारी अच्छे से यहाँ छील चुकी है, तो अब इनको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो कट करेंगे तो ऐसा नहीं है इनको हमें पतला पतला कट करना है, एक अरवी के 4-5 टुकड़े करने हैं बस, कुल मिला के गोल गोल से एकदम मोटे मोटे करेंगे। बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, आपने आलू की सब्जी तो कई बार खाई होगी, बट इस तरीके से अरवी की सब्जी बना के खाना बहुत अच्छी लगेगी। गैस ऑन करके हमने वापस से कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम सरसों का ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल वगैरह बिल्कुल ना डालें, ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। तो 2-3 बड़ी चम्मच ऑयल लिया था, खूब बढ़िया धुआं आने तक ऑयल को गर्म कर लिया। अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच, क्योंकि अजवाइन में ही सब्जी अच्छी लगती है थोड़ी सी ही। साथ में एक बड़े साइज की प्याज ली थी और उसको हमने लंबाई में कट किया है। इससे अरबी की सब्जी में जब आती है ना मीठी मीठी खाने में, तो बहुत अच्छी लगती है। बाकी आप चाहो तो बारीक कट भी कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और उसके बाद 2 हरी मिर्च को कट करके डाल देंगे। कुछ 10-12 लहसुन की कली ली थी, उनको खल्लड़ में कूट करके डाल दिया। वैसे आप चाहो तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हो। सभी चीज़ें अच्छे से पक जाए तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच से ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। सूखी सब्जी है तो चटपटी बनाएंगे इसको आज हम। 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लेना इस टाइम पर। वो मसाले को थोड़ा सा पका लेंगे ऑयल में, इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में और पक के टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बट ज़्यादा मत पका लेना वरना ये जल भी जाते हैं। स्लो गैस पे फटाफट करना होता है। और उसके बाद अरबी को इसमें डाल दें और गैस की फ्लेम अब भी स्लो ही रखें। अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे मसाले में अरबी को। और हाँ, मसाले में नमक डालने से पूरी सब्जी में एक सा नमक आता है, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। ढककर रख देंगे। अरवी तो पक्की पकाएंगे, सीजी से जाएंगे तो टाइम तो लगता नहीं, 3-4 मिनट ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। ऑयल आपने देखा, खोल के हमने देखा तो काफ़ी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो बस सब्जी तो वहीं पकी है ऑलरेडी पहले से। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 नींबू लेंगे और उसको 1/2 से ज़्यादा इसमें रस निचोड़ देना है। खट्टी खट्टी सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप आमचूर पाउडर नहीं डालें, नींबू का रस निचोड़ के ही बनाएं एक बार सब्जी को, बहुत अच्छी बनेगी। अब आपको गैस की फ्लेम फुल कर लेनी है और 1/2 मिनट के लगभग नींबू के रस को इसमें पका लेना है, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर सब्जी बन चुकी है, गैस बंद कर देंगे और धनिया डाल देंगे, हरा धनिया, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। आपके पास सब्जी मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हो, चलाते हुए मिक्स कर देंगे। धनिया को हमेशा गैस बंद करके ही डालें, इससे खुशबू बनी रहती है और दिखने में भी सुंदर लगती है सब्जी। तो फ्रेंड्स, सब्जी को हमने यहाँ सर्व कर लिया। रोटी पूरी पराठे किसी के भी साथ खा के इंजॉय करें, सब्जी बहुत अच्छी है। यदि आपको मेरी आज सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिखकर भी बताएं, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी। वीडियो को देखने के लिए